कुछ लोग हैं जो पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं, ईंट बरसा रहे हैं, पुलिस की जान लेने पर आमादा हैं। पुलिस अगर उन्हें बचाने जाती है, कोरोना संक्रमित मरीज जानकर उन्हें चेकअप के लिए अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करती है, तो उनकी जान लेने की कोशिश की जाती है, उन पर पथराव किया जाता है, उन पर ईंट बरसाए जाते हैं। दुर्भाग्य की ये बात है कि वो ईंट बड़े लोगों के हाथों में तो होती होती है, मगर वो ईंट छोटे बच्चों के हाथों में होती है, महिलाओं के हाथों में होती है, जो पुलिस को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। गलियों में, मोहल्ले में, ऐसे तमाम जगहों पर पुलिस को दौड़ाया जा रहा, मारने की कोशिश की जा रही है, मगर पुलिस जान की बाजी लगाकर लोगों के जीवन को बचाने का काम कर रही। दिन रात पुलिस कर्मी लोगों के जीवन को बचाने के लिए इस संकट की घड़ी में तैयार हैं, तत्पर हैं। सड़क पर जाते समय अगर पुलिस किसी को रोकती है तो उस इंसान के धर्म और जाति के बारे में नहीं पूछती है, सिर्फ उसका मकसद होता है कि इसके जीवन को बचाया जाए। कोई ऐसा कदम ये व्यक्ति या इंसान ना उठा ले कि जिससे इसके लिए घातक हो, वो कोरोना वायरस की चपेट में आ जाए। पुलिस जब किसी व्यक्ति की मदद करती है, अगर भूखा व्यक्ति है तो उसमें गरीबी और अमीरी का नाप तोल नहीं करती, वो सोचती है कि भूखा व्यक्ति है, उसको भोजन मिले। मगर जब पुलिस पर पत्थर बरसाए जाते हैं, पुलिस पर ईंट बरसाए जाते हैं, तब वो चेहरा सामने आता है। एक बड़ा सवाल कि आखिर ये नफरत का बीज वो कौन रहा है जिन छोटे बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए, उन हाथों में पत्थर क्यों थमाया जा रहा है? बचपन में जो बीज रोपा जा रहा है, ये बड़े होकर कहीं देश में आग लगाने का काम, कहीं देश में आग फैलाने का काम ना करे। तमाम ऐसी घटनाएं देश में सामने आ रही जहां पुलिस पर महिलाएं और बच्चे पत्थर बरसाने का काम कर रहे हैं, उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। जरा पुलिस के मानवीय चेहरे को देखने की कोशिश करिए। देश भर में तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं, देश भर में तमाम जगहों से पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिल रहा है। इस चेहरे को अगर आप देखेंगे तो उन्हें सैल्यूट करेंगे, उन्हें सलाम करेंगे, आपके हाथों में पत्थर गिर जाएंगे, मगर आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सहारनपुर के किशनपुरा गांव की एक घटना। किशनपुरा गांव में मीना देवी 55 वर्षीय मजदूर महिला, उसके परिवार में कोई आसरा नहीं था। पता चला कि कई दिनों से भूखी है। कमिश्नर ने तुरंत पुलिस को ऑर्डर दिया कि जाकर भोजन लेकर उसकी मदद करिए। एसएसआई दीपक चौधरी भोजन लेकर पहुंचते हैं, उस महिला की हालत देखते हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाता है। वो मां समझकर मीना देवी को भोजन कराते हैं और उसके बाद एसएसआई दीपक चौधरी उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाते हैं, वहां पर उसकी सेवा करते हैं। पुलिसकर्मी वहां उसकी मदद के लिए जुट जाते हैं, मगर मीना देवी इलाज के दौरान दम तोड़ देती। इसके बाद एसएसआई दीपक चौधरी की आंखें भर आईं, उन्होंने उनके परिवार को खोजना शुरू कर दिया, रिश्तेदारों को खोजना शुरू कर दिया, मगर मीना देवी के परिवार और रिश्तेदार का कोई पता नहीं चला। फिर एसएसआई दीपक चौधरी ने तय किया, अपने साथियों को बुलाया और मीना देवी को कंधा देने का काम किया, उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कराई। सहारनपुर में ये जब घटना चारों तरफ फैली तो पुलिस को सलाम करने के लिए, पुलिस को सैल्यूट करने के लिए हर कोई आगे आने लगा। पूरे प्रदेश में भी इस घटना की चर्चा है। ये पुलिस का मानवीय चेहरा है। ऐसे पुलिस वालों पर फूल बरसाने की जरूरत है, ना कि पत्थर बरसाने की जरूरत है। जहां पर भी इस तरह के पुलिस कर्मी काम कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सलाम करिए, ऐसे लोगों को मदद करिए, ऐसे पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने का काम करिए। ध्यान रखिए कि आप जिन हाथों में पत्थर बरसा रहे हैं, कल वही पत्थर कहीं आपके चेहरे पे ना पड़ जाए, कहीं आपके परिवार पे ना पड़ जाए, कहीं आप पर ही ना पड़ जाए, फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए पुलिस को सलाम करिए, पुलिस के इस काम की जितनी से जितनी ज़्यादा सराहना हो सकती है ऐसा काम करिए, क्योंकि पूरे देश में जहां पर लोग डरे और सहमे हुए हैं, पुलिस सड़कों पर उतरकर कोरोना वायरस से जूझ रही है, उन मरीजों को बचाने का काम कर रही है, लोगों को बचाने का काम कर रही, एहतियात के तौर पर लोगों को रोकने और संभालने का काम कर रही है, तो ऐसे लोगों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है।